बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर अब हमारे तो बेसिकली कोई MLA आए नहीं ना है मंडी में, क्योंकि जैसे अब शिवरात्रि मेला हुआ तो लोकल MLA को तो इनविटेशन ही नहीं था। चौटा पर बात कर दिया इन्होंने, ये जो बनाई है सिर्फ एक पैसेज बना दिया, नहीं तो चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ती थी। छोटा शहर है जी, बहुत अच्छा हो सकता है अगर ये करना चाहो तो। ऐसे कुछ नहीं है, सभ्य आदमी है यहाँ के, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी मंडी शहर के हैं। वैसे ये भी अगर सामाजिक रूप से देखें तो ये भी एक सोचने का विषय है। आपको क्या लगता है कि जो पलायन है, एजुकेटेड बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं, और एक बुजुर्गों का बहुत बड़ा तबका शहरों में रह रहा है अब आज के डेट में, इनफैक्ट गाँव में दो बेटे हैं मेरे, दोनों बाहर है। लोकल जॉब है नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं है, नहीं तो अब जितने मैक्सिमम जैसे IIT के क्लियर करते हैं बच्चे तो यहीं कैंपस इंटरव्यू होते हैं उनके, और 10-15 हज़ार रुपये पर उनको शिफ्ट करते, तो नेचुरली गांव से ज़्यादातर लड़के गांव के ही होते हैं। नगर निगम चुनाव स्पेशल सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय वीजा इंटरनेशनल, विदेश में पढ़ाई नौकरी या घूमने के लिए वीजा इंटरनेशनल नियर गांधी चौक मंडी, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय पारस उद्योग, हम घर नहीं खुशियां सजाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष सीरीज में, जो कि हमने म्यूनिसिपल जो आपका नगर निगम चुनाव है उनके ऊपर हमने शुरू की है, और इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे आई लव मंडी का एक ग्लोइंग साइन बोर्ड लगा रखा हुआ है, ये अभी लेटेस्ट शिवरात्रि के समय लगा है, और हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा चर्चा विचार करते हैं। यहाँ पे बड़े प्रबुद्ध जनता बैठी है, सीनियर लोग बैठे हैं मंडी के, तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बता दूँ इसके जो स्पॉन्सर हैं वो हैं वीज़ा इंटरनेशनल। अगर आपको विदेश में पढ़ाई करनी हो, घूमने जाना हो या नौकरी करनी हो तो वीज़ा इंटरनेशनल की जो टीम है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गांधी चौक के सामने इनका ठीक सामने इनका ऑफिस है, वहाँ पे आप पर्सनली भी जा सकते हैं, और इनके नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं तो आप इनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान भी हम इनके नंबर आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ इसके स्पॉन्सर हैं, को स्पॉन्सर हैं आपके पारस उद्योग, जो कि फर्नीचर से जुड़ा जो भी एक बढ़िया सामान है, चाहे किसी प्रकार का फर्नीचर, लकड़ी से जुड़ा, प्लास्टिक से जुड़ा, या जो भी होते हैं आधुनिक फर्नीचर आज की डेट में आपको पता ही है, तो वो आप यहाँ से खरीदारी उसकी कर सकते हैं। तो देखिए, दो सीनियर लोग हमारे साथ बैठे हैं मंडी के, जिन्होंने अपने ज़माने में काफ़ी बड़ा मंडी का एक बहुत बड़ा रूप देख लिया होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, नाम पहले मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष मल्होत्रा है जी, अपर समकीर्तन मंडी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी सर। मेरा नाम तेजिंदर कुमार गुप्ता है, मैं वार्ड नंबर 8 से पैलेस कॉलोनी में। जी सर, तो आपने सर बहुत बड़ा एक चेंज देखा होगा मंडी में, है ना? आपके सामने देखिए अभी ये ग्लोइंग साइन बोर्ड लग गया है यहाँ पे, कभी कभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, आज बहुत कुछ है। क्या किस तरीके से देखते हैं अब नगर निगम बन गया है? डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है आजकल, देखा जाओ यहाँ के मतलब DC साहब ने की या किसी की, मतलब अच्छा एटमोसफेयर हो गया मंडी शहर का। और नगर निगम बनने से लाभ मिलेगा क्या लगता है आपको? लाभ तो मिलेगा ही है, मतलब पैसा मिलेगा बाहर से, मतलब सफाई वगैरह अच्छी है यहाँ चली हुई है आजकल, मतलब काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। आपको क्या लगता है सर? हाँ नहीं, काम तो डेवलपमेंट के काफ़ी हो रहे हैं, जैसे आपका ये बन जाएगी, पार्किंग बन जाएगी तो बड़ा सुनित होगी मंडी में। पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है वैसे मंडी में ना, पार्किंग की है समस्या ना, बाकी ये बाईपास भी हो ही जाएगा, इसको डिघट में आपका ये चैनलाइजेशन हो रही है तो इधर से फिर गाड़ियाँ भी आएगी उधर नए पुल से ना, जैसा कि नए पुल से तो बाईपास जब बनेंगे तो ट्रैफिक काफ़ी डाइवर्ट हो जाएगी। ये जरूरी है, ये बाईपास तो बहुत जरूरी है, उससे जो डाइवर्ट हो जाएंगी ये गाड़ियाँ, और शहर में जो भीड़ वगैरह है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और आपके वार्ड में सर समखेतर में आपका है ना जी, जी। वो एक कुछ सालों पहले वहाँ पे फुटपाथ बनाया गया था रोड के दोनों तरफ, तो उसका क्या आपको लगता है लाभ मिला उसका फुटपाथ का? नहीं नहीं, इतना खास लाभ नहीं है उसका, क्योंकि जगह बड़ी कंजस्टेड हो गई है, वहाँ से गाड़ियाँ चलनी मुश्किल हो गई है जी।
एक्चुअली उसका लाभ नहीं हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि सड़क तंग हो गई। अब ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया दोनों साइड से, क्योंकि लोग भी इतना उस पर चलते नहीं है, मतलब लोग भी एक ही लाइन बना के चलते नहीं चलते ना, तो कई बार अब यह ट्रेंड ऐसा है एक ही साइड से चलेंगे लोग, एक साइड चाहे अपनी लेन से नहीं चलेंगे ना, मुश्किल है काम, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए तो बाईपास बन रहा है, और जो अगर बाईपास बन जाएगा तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चौटा पर बात कर दिया इन्होंने, ये जो बनाई एक सिर्फ एक पैसेज बना दिया, नहीं तो चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ती थी। आपको लगता है जो चौटा के साइड में उन्होंने फुटपाथ किया लोगों के बैठने के लिए बनाया, वो स्पेस की बर्बादी है? गलत किया इन्होंने, क्योंकि गाड़ियाँ एक गाड़ियाँ लांगने को, अब किसी ने दुकान में जाना स्कूटर भी ले जाना तो कहाँ को ले जाना है, कोई गाड़ी दो मिनट भी खड़ी करते हैं पुलिस वाला तंग करने लगता है या नहीं। बाकी ऐसे ही वैसे यहाँ पुलिस वाले बड़े बड़े नेताओं की काफ़ी चलान करते हैं वैसे। कभी नहीं किया बताओ कब की। तो जब ये बनाया ना फुटपाथ, ये 32 करोड़ रुपये आया था सेंटर का, उसको यूटिलाइज करने के लिए फिर उन्होंने बना दिया भाई चलो, पर उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। छोटा शहर है जी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है अगर ये करना चाहो तो, ऐसे कुछ नहीं है। सब आदमी हैं यहाँ के, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी मंडी शहर के हैं, हर एक घर से आपको डॉक्टर और इंजीनियर मिलेगा। आप कहीं किसी घर में चले जाइए हर एक घर से एक या दो डॉक्टर हैं, और आजकल ये पोजीशन है कि हर एक घर से इंजीनियर अच्छी पोजीशन में गया हुआ है, और सभी बच्चे बाहर है, शहर में कोई नहीं है, चल में बुजुर्ग रह गए हम लोग अब चाहे। वैसे ये भी अगर सामाजिक रूप से देखें तो ये भी एक सोचने का विषय है। आपको क्या लगता है कि जो पलायन है, एजुकेटेड बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं, और एक बुजुर्गों का बहुत बड़ा तबका शहरों में रह रहा है अब आज के डेट में, इनफैक्ट गाँव में दो बेटे हैं मेरे, दोनों बाहर आए, अब हम यहाँ पर कभी कभी रहते हैं, कभी उनके पास चले जाते। वो कहाँ पे होते हैं? ये कम्बाला में, एक करनाल में, तो वहीं पे सेटल है, वहीं सेटल नहीं हुआ है, मतलब सर्विस कर रहे हैं। पीछे 5 साल दिल्ली में लगाए, उसके बाद जाहू में आ गए, जाहू के बाद फिर यहाँ आ गए, अम्बाला में आ गए, ऐसा चला हुआ है। मतलब घर घर खाली रहते हैं या क्या किराए पे रहते हैं? वैसे गाँव में भी ऐसे हालात हो रहे हैं काफी, मैं देखता हूँ कई गाँव में। लोकल जॉब है नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं है, कोई है नहीं, तो अब जितने मैक्सिमम जैसे आईटीआई के क्लियर करते हैं बच्चे, तो यहीं कैंपस इंटरव्यू होते हैं उनके, और 10-15 हज़ार रुपये पर उनको शिफ्ट करते, तो नेचुरली गांव से ज़्यादातर लड़के गांव के ही होते हैं, तो ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। अब लोगों को मतलब रोज़गार तो चाहिए ना, तो लोकल रोजगार तो है नहीं, और यही कारण है कि जो ये भी देखिए दर्शकों, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि रोज़गार जो है सभी के घर द्वार पे जाके मिले, जैसे मनरेगा है या आपकी शहरी रोज़गार गारंटी योजना है, वो एक टेम्परेरी लाभ दे सकती हैं ना भाई। हमारे मंडी की बैल के है बदकिस्मती है भाई, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री जो भी हमारे आउटर स्कर्ट्स हैं ना, जैसे नालागढ़ हुआ, बद्दी हुआ, इस तरफ पौंटा साहब हुआ, दूसरे मतलब बार बार ही हैं ना, उन्ना साइड हैं, तो और जो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है टूरिज्म इंडस्ट्री, उस पर इतना फोकस नहीं है, तो लोग फिर जब जरूर तो इंडस्ट्रियलिस्ट कोई पड़ती है जो छोटे छोटे आईटीआई वगैरह के हैं, और तो उनको जाना पड़ता है बाहर, तो मंडी में होती तो मंडी में लगना था, उन्होंने शाम को घर पहुंचना था। ये तो बात है जी, या को रोपवे बना देते, वो भी नहीं बनाया उन्होंने आज तक, उससे डेवलप भी होता है। अब वो कह रहे हैं वो शिव धाम बनेगा, अब कब तक बनेगा वो गॉड नोज, अगर वो बन जाता है तो उससे भी कुछ यहाँ की चहल पहल हो जाएगी, थोड़ी चहल। टूरिस्ट यहाँ आता नहीं है, टूरिस्ट बाहर, टूरिस्ट सिर्फ ये यहाँ पे लंच करता है और डिनर करता है, और फिर बाहर बाहर ही, क्योंकि होटल काफ़ी बने हुए हैं, लोग बाहर निकल जाते हैं सारे, मंडी से बाहर बाहर से ही कुल्लू और मनाली चले जाते हैं, यहाँ टूरिस्ट आता नहीं मंडी, जबकि अच्छी अच्छी जगह है, बहुत सारी यहाँ पे लोकेशन हैं, लोकेशन अच्छी है, सब कुछ है, उस तरीके से गवर्नमेंट कैश उनको कैश नहीं कर पा रही, कैश नहीं कर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रही, कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने, टूरिज्म पर तो ध्यान दिया नहीं,
और ये टूरिज्म देखिए दर्शकों, बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का। अगर मैं बताऊं जो स्विट्जरलैंड है उसके आप देखेंगे क्षेत्रफल हिमाचल से भी कम है, परंतु हिमाचल से कई गुना, हिमाचल छोड़िए आप नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट मिला दे तो ऐसा बोलते हैं कि फिर भी जो स्विट्जरलैंड है उसकी इनकम टूरिज्म से बहुत। और दूसरा, अगर आप उस कंट्री में जाएंगे या यूरोप के किसी भी कंट्री में जाएंगे, वहाँ आपको ये नहीं लगेगा बेतरतीब ढंग से टूरिज्म, जैसे यहाँ भी हम देखते हैं मनाली में कंक्रीट के जंगल, मतलब बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, वहाँ उन्होंने टूरिज्म को भी प्रकृति के साथ मिला के उन्होंने डेवलप किया। वहाँ आपको हरे भरे पेड़ भी दिखेंगे, हरा घास भी दिखेगा, उन्होंने गाँव को ही उस तरीके से। अब ब्यास नदी है, इसको चैनलाइज करके ब्यास नदी को या झील वगैरह बना करके कुछ डेवलप करते तो कितना अच्छा होता। बोटिंग यहाँ चल सकती है, हर एक चीज हो सकती है। वो प्लान था भी मेरे ख्याल से, उसका कुछ सर्वे भी हुआ था। ऐसे मतलब को ग्रीन पार्क बनाया, ऐसे मतलब खत्म करने की कोशिश करता है। राजनीति का शिकार हो रहा है क्या मंडी इस बार आपको लगता है? क्योंकि एमएलए जो अनिल जी हैं वो पहले कांग्रेस, हम नहीं कह सकते, मतलब बीजेपी में आए फिर कांग्रेस में चले गए, फिर अब हमारे तो बेसिकली कोई एमएलए आए नहीं ना मंडी में, क्योंकि जैसे अब शिवरात्रि मेला हुआ तो लोकल एमएलए को तो इनविटेशन ही नहीं था, तो एक किस्म से बिना एमएलए के ही चली हुई है मंडी कंस्टिट्यूएंसी। हाँ तो वही है कि मतलब वो भी एक कारण हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट है यहाँ के वो डिले हो रहे हैं। देखो जी, यहाँ से प्रो जो है ना ब्यास नदी से बोटिंग हो सकती है, बिल्कुल सही बोटिंग हो सकती है अगर इसको चैनलाइज किया जाए। यहाँ भी झील बहुत बढ़िया बन सकती है आगे। अच्छा, मछली पालन हो सकता है, दूसरे रोजगार मिल जाएगी बच्चों को, कुछ हो गया तो झील का प्रॉब्लम बना सकते हैं। झील कुछ को ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, वो फिर होगा भी। मैं चाहता हूँ जो पार्षद बने हैं वो ऐसे, ये जो हमारे सीनियर लोग हैं इनसे सलाह मशवरा करें। देखिए इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया दे रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे किस प्रकार अपनी इकोनॉमी जो है उसे बढ़ा सकते। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।